नमस्कार बच्चों, आज रामू दादा एक नई मात्रा के साथ हमारे साथ हैं और आज रामू दादा हमें ई मात्रा का ज्ञान देने के लिए आए हैं। ई मात्रा, जब हम ई की मात्रा को किसी भी व्यंजन के साथ लगाते हैं तो उसका स्वर लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है और मात्रा जो उसका स्वर है उसको थोड़ा खींच कर बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे व्यंजन के साथ ई मात्रा को लगाया जाता है और ई की मात्रा व्यंजन के पीछे की तरफ लगाई जाती है, व्यंजन के पीछे की तरफ लगाई जाती है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि जब हम व्यंजन के साथ ई की मात्रा लगाते हैं तो उसका स्वर कैसे होता है। चलिए देखते हैं। ई मात्रा, ये ई मात्रा का सिंबल है, चिन्ह है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि यह ई की मात्रा है। तो चलिए अब हम व्यंजन के साथ लगाते हैं। जब हम क व्यंजन के साथ ई की मात्रा लगाएंगे तो यह की बन जाएगा। ख के साथ जब हम ई की मात्रा लगाएंगे खी, न ई की मात्रा नी, च ई की मात्रा ची, प ई की मात्रा पी, त ई की मात्रा ती, द ई की मात्रा दी, स ई की मात्रा सी, श ई की मात्रा शी, ग ई की मात्रा गी। आपने देखा, जब हम ई मात्रा का प्रयोग करते हैं तो हमारा स्वर जो है वो लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और आपने यह भी देखा कि ये व्यंजन के पीछे की तरफ लगाई जा रही है, ये व्यंजन के पीछे की तरफ लगाई जा रही है। तो चलिए आप भी अपनी नोटबुक में सभी व्यंजनों के साथ ई की मात्रा लगाकर लिखेंगे।